बगड़ी नगर थाना सोजू जिला पाली ने एक लिखित रिपोर्ट माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भीलवाड़ा प्रथम श्री राजेश जी गुप्ता के समक्ष इस आशय की पेश की कि उसी ग्राम बगड़ी नगर में एक खरीदशुदा जमीन है जिसके खसर नंबर 1328 है। वो जमीन उसके क्रयशुदा टाइम से ही वह कब्जे कास्ट उस पर चला आ रहा है, लेकिन इसमें जो एक दूसरी पार्टी है बाबूलाल घांची, वो भी बगड़ी नगर का रहने वाला है। उसने जो है समय समय पर इससे पहले भी केस किए थे और वो सारे केस परिवादी ने बताया कि वो खारिज हो चुके हैं। और बाद में जो है उसने उस अपंजीकृत उसका कोई दस्तावेज था उसको मुद्रांकित करवा के और तहसीलदार जी के समक्ष उस जमीन का अपने पक्ष में म्यूटेशन करवाने के लिए बाबूलाल ने एप्लीकेशन दी थी। इसका पता जब परिवादी राजमल मेवाड़ा को पता लगा तो उसने भी यहाँ पर एक पार्टनर जावे खारिज किया जावे, लेकिन जो तहसीलदार ने है अपने ड्राइवर जो है दुर्गाराम या चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी है उसके मार्फत जो है शुरू में 10,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की थी। हमने मांग सत्यापन करवाया, मांग सत्यापन के दौरान तहसीलदार जी सत्यनारायण जी वर्मा सोजा सिटी ने 5,000 रुपये ले लिए थे और 10,000 रुपये की और डिमांड की थी। वो 10,000 रुपये के जो है रंग लगवा के आज हमने परिवादी के साथ यहाँ पर भेजा था और उनसे 10,000 रुपये तहसीलदार जी ने ले लिए थे और वो 10,000 रुपये लेने के बाद हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। हमारे जो नोट हैं 10,000 रुपये के वो बरामद हो चुके हैं, कार्यवाही जारी है। बगड़ी नगर थाना सोजू जिला पाली ने एक लिखित रिपोर्ट माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भीलवाड़ा प्रथम श्री राजेश जी गुप्ता के समक्ष इस आशय की पेश की कि उसी ग्राम बगड़ी नगर में एक खरीदशुदा जमीन है जिसके खसर नंबर 1328 है। वो जमीन उसके क्रयशुदा टाइम से ही वह कब्जे कास्ट उस पर चला आ रहा है, लेकिन इसमें जो एक दूसरी पार्टी है बाबूलाल घांची, वो भी बगड़ी नगर का रहने वाला है। उसने जो है समय समय पर इससे पहले भी केस किए थे और वो सारे केस परिवादी ने बताया कि वो खारिज हो चुके हैं। और बाद में जो है उसने उस अपंजीकृत उसका कोई दस्तावेज था उसको मुद्रांकित करवा के और तहसीलदार जी के समक्ष उस जमीन का अपने पक्ष में म्यूटेशन करवाने के लिए बाबूलाल ने एप्लीकेशन दी थी। इसका पता जब परिवादी राजमल मेवाड़ा को पता लगा तो उसने भी यहाँ पर एक पार्टनर जावे खारिज किया जावे, लेकिन जो तहसीलदार ने है अपने ड्राइवर जो है दुर्गाराम या चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी है उसके मार्फत जो है शुरू में 10,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की थी। हमने मांग सत्यापन करवाया, मांग सत्यापन के दौरान तहसीलदार जी सत्यनारायण जी वर्मा सोजा सिटी ने 5,000 रुपये ले लिए थे और 10,000 रुपये की और डिमांड की थी। वो 10,000 रुपये के जो है रंग लगवा के आज हमने परिवादी के साथ यहाँ पर भेजा था और उनसे 10,000 रुपये तहसीलदार जी ने ले लिए थे और वो 10,000 रुपये लेने के बाद हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। हमारे जो नोट हैं 10,000 रुपये के वो बरामद हो चुके हैं, कार्यवाही जारी है।